सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपने प्रीव्यू के माध्यम से देख लिया कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस टाइप की वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप एक क्रिएटर्स हो तो अभी स्टेप ट्रेंड ही चल रहा है, इस टाइप का वीडियो आप बनाओ यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने को मिलेगा। एंड अभी ईद आने वाली है, उसके कमिंग सून वाले मैं वीडियो बना चुका ऑलरेडी, उससे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत छोटे से वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसका थंबनेल आपको ऊपर पर, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। और अभी ट्रेंड चल रहा है तो अभी अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स देने को मिल जाएगा। सो ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करनी चाहिए तो हमें ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। सो चलो मैं टाइम वेस्ट करना आपको बताऊँ हम कैसे एडिट किया हूँ। सबसे पहले उस टाइप का फोटो आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। पिंटरेस्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर चलना है और पिंटरेस्ट सर्च करना है और हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। सो इसमें आपको क्या करने है, जिसे मैं ओपन करते थे, यहाँ पर आपको जो भी डाउनलोड करने, जो भी पिक्स आपको लेना है तो यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करो, और यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ मदीना पिक। एंड इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जैसे बहुत ही HD क्वालिटी में यहाँ पर आ चुका है। एंड ओके, सो अगर इसे हम डाउनलोड करना है तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर करने के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मुझे डाउनलोड का इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर चलो आपका फोटो का जुगाड़ तो हो गया। अब बात रही सॉन्ग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगा। एंड जो भी काउंटडाउन होता था 1, 2, 3 पर, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये दो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, लेकिन ये फोटो आपको खुद से डाउनलोड करनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो का। ओके, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलो टाइम किया मैंने इससे फटाफट एडिट करते हैं। कैसे एडिट करते हैं, सो हम इसे एडिट करने वाले VN एप्लीकेशन जो कि नॉर्मल में प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। अगर आप VN एप्लीकेशन आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कोई अदर एप्लीकेशन है जिसमें आपका इंटरेस्ट है एप्लीकेशन एडिटिंग करने का, सो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट आपको प्रोसेस समझना है। सो आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, आप बस प्रोसेस समझो, ठीक है। तो चलो मैं VN को एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जैसे हम ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकॉन पर करने के लिए क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर चलना है। यहाँ करने के बाद मैं गैलरी में आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे उस काउंटडाउन वाले यानी कि वीडियो को ऐड करनी है, और ये मेरा काउंटडाउन वाला ऐड आ चुका है वीडियो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ले करते हैं तो ये मेरा कुछ यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर जैसे 4 तक आता है तो ये कुछ और का ही था, तो मैं इसे यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। एंड इसे हम डिलीट कर सकते, लास्ट वाले एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दिया इसे, और ये मेरा वाटर मार्क माध्यम से मैं रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करें, यहाँ पर मुझे फोटो ऐड करनी है, फोटो ऐड करनी है प्लस अकाउंट पर करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पर फोटो सेशन पर चलना है। एंड जो भी अपनी फोटो आप डाउनलोड करें हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लगभग आपको 10 से 15 फोटो आपको ऐड करनी है तो ये आपका बेहतर बनेगा, ठीक है। चलो मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ, इसमें ऐड हो चुका है, लगभग 16 फोटो मेरा से, तो इसे हम ऐड कर चुका हूँ। एंड चलो मैं इसे यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सारा फोटो मेरे यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मैं वीडियो का लेंथ देखो तो मेरा 53 सेकंड हो चुका है, लेकिन इतना बड़ी हमको नहीं बनाना है। सो ये मेरा ज़्यादा जितना भी फोटो है सब मेरा 3 मिनट 3 सेकंड का है, ठीक है। सारा का सारा फोटो मेरा 3 सेकंड का यहाँ पर ऐड हुआ है। सो चलो सबसे पहले यहाँ पर एक बात का नोटिस करना है कि देख सकते आपका रेशो एकदम ये YouTube वाले आज के आपको शॉर्ट्स वाले रेशो आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे टॉप पर ओरिजिनल पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 9:16 का रेशो ले लेनी है, और ये मेरा शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। सो अब इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर आपको वीडियो को कट कर लेनी, जैसे देख सकते फोटो को कट कर, सॉरी आपको लगभग 1 सेकंड का फोटो आपको रखनी है। सो यहाँ पर चलना है, इसे हमें कट कर लेनी है, यहाँ पर भी चलते हैं, इसे भी कट कर, सबको 1 सेकंड पर हमें कट कर, ठीक है। तो मैंने सारे फोटो को कट कर चुका, और कट करने के बाद मेरा देख सकते हो मेरा वीडियो का लेंथ हो गया 17 सेकंड। देख सकते मैंने सब फोटो लगभग 1 सेकंड का मैं कट कर दिया हूँ, ताकि मेरा फोटो यहाँ पर अच्छे तरीके से बने। देखो सबसे पहले यहाँ पर अब यहाँ हो चुका है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मुझे सॉन्ग को ऐड करनी है यहाँ पर। चलो यहाँ पर चलना है, इस फोटो को स्टार्टिंग पॉइंट पर चलना है इसी, और यहाँ पर हमको PIP पे करने के लिए क्लिक कर दिया मेरा, क्योंकि सॉन्ग मेरा वीडियो में ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मेरा सॉन्ग आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सॉन्ग क्या है, वीडियो में प्रोवाइड है। सो हमें इसे ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करनी है, सो देखो आपको नीचे स्लाइड करनी है, आपको इस सेशन पर रखने के लिए और नीचे स्लाइड करनी है। स्टार्ट करें आपको लास्ट में आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम इस पर करते हैं क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा वीडियो जो है ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है, मेरा वीडियो वाला पार्ट जो है इसे हम हटा देंगे। जैसे हम हटाएंगे तो मेरा ऑडियो वाला पार्ट ऑलरेडी रह जाएगा, और जैसे हम कर लेते हैं म्यूट, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाते हैं काफ़ी बार बना चुका है। देखो अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर सॉन्ग भी ऐड हो गया, फोटो भी ऐड हो चुका है, और ये वीडियो भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इस पर मुझे कुछ इफेक्ट्स ऐड करनी है, देख सकते हैं फर्स्ट वर्सेस में चलना है। हर एक फोटो में आपको यहाँ पर नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फोटो सेशन पर लेयर पर करने के लिए, और इफेक्ट्स पर चलना है। आप यहाँ पर कोई भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप हर एक फोटोज़ में आप इफेक्ट्स को ऐड करना जो भी आपको अच्छा लगे, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसी को ऐड करो,
आपके पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जो भी चॉइस हो कि हाँ भैया मुझे ये इफेक्ट डाउनलोड ऐड करने, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसी का इफेक्ट, ठीक है, मैं फटाफट किसी जो जो भी जो होगा मैं डाउनलोड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। तो मैंने हर एक में इफेक्ट्स ऐड कर चुका, आप लोग देख पा रहे होंगे, बस आपके एग्जाम्पल के मैं इफेक्ट्स ऐड किया हूँ, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं इसे प्ले करके बाद दिखा, तो रिजल्ट दिखा, तो मेरा किस तरह रिजल्ट हो चुका है। सो मैं सॉन्ग म्यूट करके रखा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा मतलब मुझे प्रॉब्लम ना हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो मेरा कुछ इस टाइप का वीडियो बन चुका है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इससे अच्छा बना सकते हैं, ओके, ठीक है। सो बिल्कुल ही मस्त लगे देखने में, आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड जो सर मैं इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं यहाँ पर एरो पे करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो भी क्वालिटी लेनी, जो भी रेशियो लेनी है, क्वालिटी लेकर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए, मेरा वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया मैंने वीडियो कैसे एडिट किया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।